चांगला बाबा जय। छोटा भाई हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो यहाँ कारू से आज स्टार्ट करेंगे पेंगोंग लेक की साइड। तो कारू से निकलते यहाँ पे हमने रास्ते को पूछने की कोशिश करी कि आगे कोई रोड ब्लॉकेज तो नहीं है। तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे हमें पता चला कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। कारू से 33 किलोमीटर दूर चांगला पास है, तो चांगला बाबा जी के नाम से बना हुआ है वो, वहाँ पे रुकेंगे। उससे पहले इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है कि आप देखते रह जाओगे। एक साइड खड़े पहाड़ और एक साइड एक तलहटी में बसा हुआ हरियाली में गांव, ये लेह की खूबसूरती को दिखाता है। ये जुलाई महीने का टूर था, तो यहाँ पे हमने एक अजीब बात नोट करी कि हमारे वहाँ पे अभी बरसात चल रही है और यहाँ पे सरसों और गेहूँ की खेती की हुई है, जबकि हम लोगों के यहाँ पे मक्की की फसल हो रही है। ये देखने में बहुत ही सुंदर और अजीब लगता है। यहाँ तक तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है और ऑफ रोडिंग में यहाँ पे इतना बुरा हाल है आगे कि आप देखते रह जाओगे। और यहाँ की लोकल गाड़ियाँ जो हैं वो ऊपर से निकलने की कोशिश करती हैं, तो आप बहुत सावधानी से यहाँ पे चलाएं, बिल्कुल धीरे और पास लेने की कोशिश ना करें। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की होती है, आपको पानी नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे भी स्टोर देखें, कम से कम आपने साथ पानी लेके चले। यहाँ हमें पानी का एक साफ़ सुथरा स्रोत मिला, तो हम लोगों ने अपना कैंपर और अपनी बोटल्स फिल कर ली हैं। तब जाके हम लोगों को बीच में कभी पानी की दिक्कत होती है तो इसको बॉयल करके पी सकते हैं। ये बर्फ़ का पानी है, खुश्की करता है शरीर में, वॉमिटिंग का खतरा ज़्यादा रहता है। बस वाले से लड़ रहा है ये पास लेने के लिए, जो कि बेहद ही गलत बात है। मिलियाना we
गाड़ियां वैसे हार्ड रो रही है। हम पहुंच चुके हैं चांगला पास। मैं और मीस एडवेंचर, ऑक्सीजन की खासी कमी महसूस हो रही है, सांस फूल रही है। आपको कैसा लग रहा है? चश्मा नहीं लेकर आया यार, चश्मा ले, अच्छा मुझे दे दे। वाह, इतना बढ़िया व्यू, बर्फ से लदे पहाड़ और ये भारत का तिरंगा लहराता हुआ इंडियन फ्लैग। इतनी ऊंचाई पर इंडियन फ्लैग को देखकर बहुत ही खुशी का अनुभव। चलो जाम लग गया। चांगला बाबा जय। छोटा भाई पता नहीं हूं तो हाँ मेरा बना है। जय चांगला बाबा। चपटी गया बोला थप्पड़ मारना कौन बोला ये बोला
ਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਢਾਣੀ ਗੱਡੀ ਪੜੂਗੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ बंगाल चे गोरे होंगे होने तू आई ना रुड़ो रुड़ो ना काले हुई है बंगाल जिसते भी काले होंगे ना इतनी आई ना थोड़ा फर्क पिछे लाए ला ज्यादा आउट साइड मत कट बस इत रुकी उन्नी मां तो बिलकुल ही मेल की आना जी भी स्लो स्लो चलना कि चंडे हटे तो बस हटे पर ही नहीं और कुछ हटना नहीं इंडिकेटर दे दिए बर्त कड़े ते गए अपन लैने चल गड्डी चली बड़ी स्लो चला अज क्या पास लेके नहीं जितने स्लो चला फिर दुड़ा है ना हूँ दुड़ा है ना जाए लो गड्डी बड़ी भारी है ना जाए लो मैं तो बड़ी पास है ये नहीं ये तो बच्चे ने चली पौनी है रात ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਆ ਹੋਰ ਨੀ ਬਚੀ ਇਸਨੇ ਮਾਚਸ रस्ता नहीं है टुटी जानी चलो अगले एक दी खतरनाक मशीन है घंटा लगना ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਆ ਮਾਂ ਮਿੰਜੂ ਤਾਲ ਗੁਲਾਮੇ ਤਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਠਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰੱਸੀ ਰੱਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਜਾ
बाइक आगे करो उधर नहीं कुछ पहले भी निकल गए बच गए नहीं था पैंच जाम देखो धीरे धीरे चले जा रहा मारो नहीं तो बाद मार चुता जा मार कर सा अल्ला पीछे आने गांड बाड़ी है ये देखो ਦਾਮ ਬੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਾਮ ਦੇ ਲੁਕਟ ਗਿਆ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਲਏ ਬੰਦਾ ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣੀ ਨਾ ਦੀ ਅੱਠ ਨਹੀਂ ਅੱਠ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਛੱਡੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਕ ਜੋ ਮਰਦੀ ਹੁਣ ऑक्सीजन सिलेंडर है बड़ी तो जगह था बड़ी जगह पहले निकले तो खुशी होती पूरी बजट इतनी बुरा जाम लगता होना भाई दो दो फेरे लाते होने हिसाब से आती है ना।